बोल अब बोल बोल अब बोल क्या बोल रहे थे अभी तक बहुत कुछ बोल रहे थे अभी तक बहुत कुछ बोल रहे थे अभी बोल ना मुझे लग रहा है आज मुझे ही सफाई करनी पड़ेगी इस निशात पार्क की। तो पहले उठाते हैं ये पूरा कूड़ा करकट इसमें डालते हैं। Hey guys, assalamualaikum। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। अल्लाह आप सबको सही सलामत रखे, यही मेरी दिल की दुआ है आप सबके लिए। दोस्तों मेरा नाम है मोहसिन, आप देख रहे हो मिस्टर ग्रेजी व्लॉग्स चैनल। अभी तक आपने मेरे पिछले वाले व्लॉग्स नहीं देखे तो वो भी देखे। अगर आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। दोस्तों आज मेरा सेकंड डे है बांडीपोरा में, तो अभी मैं आया हूँ हेयर कटिंग शॉप में अपने बाल जो है कटवाने के लिए। इस हेयर कटिंग सैलून का नाम मैं आपको बता दूँगा, रॉयल हेयर सैलून है। आपको मैं लोकेशन भी दिखाऊंगा। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जब भी बांडीपोरा में आए तो यहाँ पर ज़रूर आना, बाइक की थोड़ा हेल्प करना। ये नया ओपन किया गया है तो उतने सारे कस्टमर्स नहीं आते, अभी देखे कोई कस्टमर है ही नहीं यहाँ पर, आप खुद ही देखें। तो बाहर की लोकेशन भी मैं आपको दिखा दूँगा। गाइस अभी आपको शोर आ रहा होगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत सारा है। गुलशन चौक से थोड़ा आगे आना है, आपको ये बोर्ड पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर हेयर कटिंग सैलून, तो आप यहाँ पर ज़रूर विजिट करना। अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया है, कब किया है ये ओपन? इसको हुआ है 10-15 दिन के। कितने आते, कोई आता है? एक दो आते होंगे उस हिसाब से, अभी नए नए हैं ना इसके वजह से। पहले कटाई करवाते, देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा। तो फिलहाल कराते, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्या रिजल्ट रहेगा। A few minutes later, हेयर कटिंग हो चुकी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसी लगी। तो फिलहाल ये वाली लोकेशन से निकलते हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूँ बांडीपोरा की जो फेमस निशात पार्क है वहीं पर पहुंच चुका हूँ। अभी मैं यहाँ पर यहाँ से आया हूँ मार्केट से, यहाँ तक आने में आपको 2 मिनट लगेंगे। बांडीपोरा की फेमस निशात पार्क जो है ना 1954 में बनाई गई थी, हम यहाँ के व्यूज आपके साथ शेयर करने चाहते। तो फिलहाल मैं आपको यही कहूँगा आप व्लॉग में बने रहिए। तो एक्सप्लोर करते आज हम निशात पार्क को, अभी हमें यहाँ से जाना है आगे, तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से। आ जाओ, अब पकड़ गया आपको यहीं पर। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? हाँ बोलो 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 बोलो, नाम क्या है? इसको मज़ा आ गया खेलने में, फिर से गया वो वहाँ से। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये देखिए कितने बड़े डस्टबिन हैं, इनकी ऊंचाई देखे तकरीबन 4 फीट है, फिर भी लोग क्या करते इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, नीचे फेंका है। आप देखिए यहाँ से कितना गंद मचाया है, ये लोगों को नहीं करना चाहिए। इतने बड़े बड़े डस्टबिन किस लिए रखा है? ये देखिए डस्टबिन देखेंगे तो आप खुद ही देखें ये खाली है। ग्रीन ट्री जो मैंने आपको गुरेज में भी दिखाया था। आगे चलते हैं, यहाँ का टॉप व्यू दिखाते हैं आपको, यहाँ से चलना है अभी। ये देखे भाई साहब, लगता है मुझे ही सफाई करनी पड़ेगी आज इस निशात पार्क की। यहाँ पर हर जगह नीचे फेंका है। अभी मैं इस पार्क के टॉप पॉइंट पर पहुँच चुका हूँ, मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा दूंगा। पहले ये देखे भाई साहब, देखे कितना खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह। और सामने देखे ये ग्रीन ट्रीज, ये रही बांडीपोरा टाउन, पहाड़ देखे चारों तरफ। माशाल्लाह पार्क तो बहुत अच्छी है। यहाँ पर कितने सारे डस्टबिन हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। ये देखे
यहाँ पर एक डस्टबिन, वहाँ पर भी चारों तरफ आप देखिए डस्टबिन आपको नज़र आएंगे। लेकिन एक बात मुझे बहुत बुरी लगी, डस्टबिन यहाँ पर 4 फीट के थे लेकिन लोगों ने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया था, लोगों ने बाहर ही फेंका था कूड़ा। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन बात करें अगर पार्क की, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खूबसूरती है। आज मुझे लग रहा है मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पर सफाई करने। देखिए इतने बड़े बड़े डस्टबिन हैं यहाँ पर, फिर भी लोग इनका इस्तेमाल नहीं करते। मुझे लग रहा है आज मुझे यहाँ बैठकर सफाई करनी पड़ेगी पहले। ये देखिए यहाँ की हालत देखिए भाई साहब, ये देखिए बड़े बड़े डस्टबिन देखे, हर सपाट पे लगा हुआ है, फिर भी लोग डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं करते। इतना कूड़ा कट कर लेकर जाना है मुझे फिर से। अब इसको उठा लेते, एक सेकंड कैमरा को होल्ड करते हैं। ये देखिए 4 फीट के डस्टबिन अभी भी ये खाली है, देखिए पूरा खाली है। ये देखिए तो मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ बैठने का, क्योंकि यहाँ पर गंदगी जो है ना बहुत मच है ये लोगों ने, तो मैं यहाँ से निकलना ही बेहतर मानूँगा। तो फिलहाल यहाँ से निकलते ही है, वही है मेरे लिए बेस्ट रहेगा। फिलहाल मुझे लग रहा है इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करना पड़ेगा। तो मिलते हैं और एक नए स्पेशल व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।